G20 शिखर सम्मेलन भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन दुनिया की नजरें अब भी भारत पर टिकी हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें G20 शिखर सम्मेलन में बतौर अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। सलमान के स्वागत के लिए दिल्ली के रायसीना हिल को सऊदी झंडे से सजाया भी गया। इस दौरान पीएम मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान के बीच व्यापार, अर्थव्यवस्था, रक्षा और सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा भी हुई। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। विश्व की दो बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हिज रॉयल हाइनेस के साथ बैठक के हमने हमारी करीबी साझेदारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कई इनिशिएटिव की पहचान की है। और अपने दौरे के अंतिम चरण में सऊदी क्राउन प्रिंस ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। उन्होंने एक औपचारिक स्वागत समारोह में हिस्सा लिया और कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी और अन्य मंत्रियों से भी उन्होंने मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में क्राउन प्रिंस का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सऊदी अरब भारत के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। क्राउन प्रिंस ने भी भारत सऊदी संबंधों की सराहना की। आज आपके साथ चर्चा करने के दौरान मुझे ये जानकर खुशी हुई कि पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, सांस्कृतिक और लोगों के संबंध सहित सभी क्षेत्रों में हमारी बायलिटरल पार्टनरशिप में काफी विस्तार हुआ। महामहिम सऊदी अरब ने बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों को अपनाया है और उन्हें फलने फूलने का मौका दिया है। अपनी कड़ी मेहनत और प्रोफेशनलिज्म के माध्यम से उन्होंने सऊदी किंगडम के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमें उनके देखभाल के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और उनकी कल्याण के लिए आपके निरंतर समर्थन के प्रति अस्तित्व रखते هنا نطلع المملكة العربية السعودية ونتم العلاقة التاريخية بين البلدين صديقين ونطلع لتعميقها والتعاون في جميع المجالات. We in the Kingdom of Saudi Arabia value the historical relations between our two friendly countries and we look forward to deepening cooperation in all areas. الارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأرحب بما يخدم مصالحنا المشتركة وكان تأسيس مجلس الشراكة السعودي الهندي أثرا كبير في العلاقة وسوف يحدث أثر أكبر في المستقبل. In a way that strengthen the Saudi-Indian relations and elevate them to broader horizons to serve our mutual interests. The establishment of the Saudi-Indian Strategic Partnership Council came as a confirmation of the mutual desire of the two leaderships to create a qualitative leap in the bilateral relations in all fields. The fruitful discussions that we held with Prime Minister Modi confirmed the mutual desire to strengthen our strategic partnership in various fields and to work on developing them to yield further achievements. And bring benefits to our peoples and to our countries while enhancing regional and international security and stability.